नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया विष्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की चुनौती अब बढ़ने वाली है। सहयोगी दल अब बीजेपी पर सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने लगे हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों ने कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश करनी शुरू कर दी है। बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर एक साथ अपनी सीटों की डिमांड रखती है। क्या है सहयोगी दलों की नई रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर सहयोगी दल सीटों के बंटवारे और अपनी मांग का दबाव बना रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के साथ बीते दिनों गठबंधन करने वाली सुभाषपा ने 3 सीटों की डिमांड आगामी चुनाव के लिए की है, जहां सुभाषपा की ओर से चंदौली, गाजीपुर और घोसी सीट पर दावेदारी की गई। इतना ही नहीं, अपना दल एस ने भी 5 सीटों की डिमांड बीजेपी नेतृत्व के सामने रखी है। अपना दल एस ने मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन सीट पर दावेदारी की है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी की ओर से पूर्वांचल की सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की गई। दरअसल बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी है। पार्टी ने हर लोकसभा सीट और 270 विधानसभा सीटों पर अपने विस्तारक नियुक्त किए हैं। इसके अलावा पार्टी ने हारी हुई सीटों पर अलग से केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने उन सीटों की समीक्षा कर तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि यूपी में बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए मिशन 80 यानी 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति के अनुसार काम भी तेज कर दिया है। बीते दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस वजह से पूरी यूपी में हलचल बढ़ी हुई है। तो देखा आपने किस तरह बीजेपी पर सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं। जहां बीजेपी के सामने सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए अपनी सीटों की मांग रख दी है। इन दलों ने मिलकर बीजेपी के सामने 8 से ज्यादा सीटों की दावेदारी रखी है। ऐसे में देखना यह है कि क्या बीजेपी सहयोगी दलों की मांग पूरी करती है या फिर इन दलों पर अपना ही दांव भारी पड़ जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।